फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहां पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2021 के जीके के प्रैक्टिस सेट की। इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी लगती है कहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर हमारा क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी कि जो नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है वो हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, इसकी इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, आप कहेंगे कि हिंदी में डिस्कस करो, मैं कोशिश करूंगी इसको हिंदी में भी डिस्कस करने की, लेकिन इंग्लिश इसकी सिंपल है, हिंदी में मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, तो आप कोशिश करिए, क्योंकि आगे जाके जब आप पढ़ाओगे बच्चों को तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में डील करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा डिफिकल्ट टर्म है वो मैं आपको हिंदी में बता दूंगी। तो ये 12 नवंबर है, 11 नवंबर है, 5 नवंबर है, या फिर 29 अक्टूबर है, बताइए नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है? ये किया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंदन इन, जो पहली, जिसको हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी बोलते हैं, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में वो कब हुआ था, 1930, 1919, 1923 या फिर 1907 में, बताइए। ये मैंने आपको ये सब डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी थ्योरी क्लास में। देखिए, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में यानी 1931 में, और जो तृतीय यानी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1932 में हुई थी, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, द लवानी डांस, या इसको हिंदी में लवानी ही बोलते हैं, तो लवानी डांस जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र? आंसर करिए जल्दी। देखिए, जो लवानी डांस है वो हमारा बिलोंग करता है महाराष्ट्र, यानी यहाँ से ये डांस बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से डील करता है या उसके बारे में हमें बताता है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 32, आर्टिकल 75, आर्टिकल 348, बताइए। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को कौन बताता है, हमारा आर्टिकल 75। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक, सिंपल हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, जो इंडियन पार्लियामेंट है शुड मीट एट लीस्ट, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट है उसको अपनी मीटिंग रखनी होगी कम से कम साल में एक बार, साल में दो बार, साल में तीन बार या फिर साल में चार बार, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा, ट्वाइस अ वीक, साल में दो बार कम से कम उसको मीटिंग रखनी पड़ेगी। ठीक है, एट लीस्ट यानी कम से कम। हु रोट द फर्स्ट वाइस, हु वॉज द फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट वाइस राय कौन था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन, बताइए। कौन था फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ये थे हमारा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच, एम्बेडेड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर, बताइए। डिजिटल वॉच में किस तरह के कंप्यूटर पाया जाता है, देखिए उस वॉच के अंदर कंप्यूटर एम्बेडेड होता है इसलिए उसको एम्बेडेड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, बताइए इसमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी नहीं है कंप्यूटर की, रोम, रैम, ALU या फिर CD रोम? क्या कहलाता है? सीडी रोम, क्योंकि इसको हमें इंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है, सीडी रोम को, इसलिए हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आता है ना कि प्राइमरी मेमोरी में। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था? IBM ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर सैमसंग ने? किस कंपनी ने बताइए डेवलप किया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? ये किया था एप्पल कंपनी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सॉयल इज सुटेबल फॉर कॉटन, बताइए कॉटन के लिए किस तरह की सॉयल हमारे लिए सुटेबल होती है? रेड सॉयल, एरिड सॉयल, लेटेनाइट सॉयल या फिर ब्लैक सॉयल? क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। महोगनी ट्री इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, बताइए महोगनी ट्री कहाँ पे पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट या फिर ड्राई फॉरेस्ट? महोगनी ट्री कहाँ पाए जाते हैं, क्या कुछ आइडिया है आप में से किसी को, कभी पढ़ा है इसके बारे में? देखिए ये पाए जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे इज लोकेटेड इन, जो साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सिकंदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम या फिर मुंबई? कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1913 बाय, गदर पार्टी फॉर्म हुई थी 1913 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी, लाला हरदयाल या फिर चंद्रशेखर आजाद? किसने फॉर्म की थी गदर पार्टी? ये की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्लानेट यूरेनस हाउ मैनी सैटेलाइट, यानी कि जो यूरेनस प्लानेट है उसमें कितनी सैटेलाइट है? 14, 27, 2 या 67? बताइए यूरेनस के अंदर कितनी सैटेलाइट है? ये है इसमें 27, ठीक है। नेक्स्ट है, द भागड़ा नागल डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, भागड़ा नागल डैम जो है वो किस रिवर पर लोकेटेड है? दामोदर, महानंदी, सतलज या फिर ब्यास? क्या हो जाएगा? सी, ये सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज, जो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज थी वो कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीवी, राजकुमारी अमृत कौर या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? बताइए। ये पेपर पूरा हमारा जो हमने जो सीरीज करी थी जीके की वहां से पूरा क्वेश्चन आया था, कॉमर्स का भी पूरा क्वेश्चन वहीं से आया था, बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, फातिमा बीवी, ठीक है। नेक्स्ट है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट जो नीरज चोपड़ा थे वो किससे एसोसिएटेड है, यानी आपको बताना है कि वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इतना न्यूज़ में आया था नीरज चोपड़ा जी का नाम, आप में से हर किसी ने सुना होगा, तो इजली मतलब बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लिया था, इजली बता सकते हैं बॉक्सिंग, जेवलिन थ्रो, आर्की या फिर रेसलिंग? बताइए क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, जैवलिंग थ्रो।
नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स, वो पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? सुष्मिता सेन, रीता फारिया, कैटरीना कैफ या फिर दीपिका पादुकोण? तो फर्स्ट वुमेन की यहाँ पे बात करें, इंडियन वुमेन की टू विन मिस यूनिवर्स, वो थी हमारी कौन, सुष्मिता सेन जी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बताइए, सी, जावा, J2EE, प्रोलॉग। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रोलॉग। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग या फिर कोलेरा? आंसर हो जाएगा बी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है द यूनिटी ऑफ हेरिडिटी इन अवर बॉडी इज कॉल्ड, यानी हेरिडिटी की जो यूनिट होती है हमारी बॉडी में वो क्या कहला जाती है, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन या फिर न्यूक्लियस? इसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है, नेक्स्ट है मडी वाटर इज प्योरिफाइड बाय एडिंग एलम ड्यू टू ऑस्मोसिस, कोगुलेशन, इमल्सिफिकेशन या फिर डायलिसिस? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जब हम मडी वाटर को प्योरीफाई करते हैं तो उसमें एलम जो ऐड होता है वो किसके कारण होता है, कोगुलेशन के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्लड ऑफ फायर? फ्लड ऑफ फायर बुक के ऑथर कौन है, अनीता मेहता, अमित चौधरी, अमिताभ घोष या फिर अतुल ठाकुर? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा सी, अमिताभ घोष जी ने ये बुक लिखी थी, फ्लड ऑफ फायर। नेक्स्ट है हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन थे, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एम जहांगीर भावा या फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन? बी हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय स्वीडन, पोलैंड, रशिया, जर्मनी? ए हो जाएगा आंसर, स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, थ्योरी क्लास में मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसका आंसर बताइए डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बाय द IOC? नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर सीरिया? कौन सी कंट्री को सस्पेंड कर दिया गया, वो थी नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय B.R. अम्बेडकर? B.R. अम्बेडकर ने कौन सी बुक लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई लाइफ, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स या फिर हिंद स्वराज? ये है इनकी बुक, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताइए किसने लिखी है, माई लाइफ किसने लिखी है और हिंद स्वराज, ये तीनों बुक नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से किसने लिखी है। नहीं पता है तो गूगल करिए और अपनी नोटबुक में जहाँ कहीं भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में अब इन बुक से पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रीवियस पेपर उठाकर जो ऑप्शंस होते हैं उनको क्वेश्चन बना दिया जाता है और जो क्वेश्चन होते हैं उनको ऑप्शन बना दिया जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर आपसे बार बार कहा जाता है कि जरूर पढ़ा करिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डूलिट ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या क्रिकेट? बताइए,
किस स्पोर्ट से संबंधित है ये ट्रॉफी? ये संबंधित है हमारी क्रिकेट से। नेक्स्ट है, डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डायरेक्ट टैक्स कोड किससे रिलेटेड है? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स या फिर सर्विस टैक्स? बहुत ही सिंपल है, ये भी आपको पता होगा, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जीवी मालवंकर। कौन मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ए हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद भी इसके मेंबर रह चुके हैं, सरदार पटेल भाई भी और जीवी मालवंकर भी। ठीक है, नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ ऑम्बुड्समैन इट्स टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑम्बुड्समैन कमिटी जो थी उसका जो आइडिया था वो हमने किस कंट्री से बोरो किया? यूएसए, स्वीडन, रशिया या फिर आयरलैंड? क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, स्वीडन से। ठीक है, नेक्स्ट है, एट लो टेम्परेचर लीड बिहेव्स लैड सॉरी लेड बिहेव्स एज अ सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर कंडक्टर? बताइए, लो टेम्परेचर में लेड जो होता है वो किस तरह से बिहेव करता है? ये हमारा बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, यानी कि गरीबी हटाओ जो हम नारा दिया था वो किससे इनकॉर्पोरेट हुआ? फोर्थ फाइव ईयर प्लान से, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, सिक्स फाइव ईयर प्लान या फिर सेवन्थ फाइव ईयर प्लान? बताइए, क्या हो जाएगा आंसर? बी, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। नेक्स्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बोथ ए एंड बी या फिर फॉरेन ट्रेड सेक्टर? किससे संबंधित है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट? ये हमारा कॉन्सेंट्रेट करता है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज से होगा। अब आप बताइए, मेन एग्रीकल्चर आइटम इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज, इंडिया से जो इंपोर्ट होता है मेन एग्रीकल्चर आइटम, पल्स, सुगर, कॉफी या फिर एडिबल ऑयल? क्या होता है? डी, एडिबल ऑयल। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन केम इनटू इंडिया, जो कैबिनेट मिशन है वो इंडिया में कब आया? 1946, 1942, 1945 या फिर 1640? क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा, 1946। नेक्स्ट है, हु विल बी द मेंटर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2021? यानी कि उस टाइम का ये करंट अफेयर था कि किसको मेंटोर बनाया गया था इंडियन क्रिकेट टीम का जब T20 वर्ल्ड कप 2021 था उसके लिए? राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर? कौन थे? MS धोनी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्पॉयज एट कानपुर इन द 1857 अपराइजिंग? बेगम, हजरत महल, यानी कानपुर से जो 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, तो किस ने वहाँ से लीड किया था कानपुर से? ये सारे स्टेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार हम फिर से इनको डिस्कस कर लेंगे। तो स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है वहाँ से पूछा जाता है, जैसे कि झांसी से पूछा जाएगा तो झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जी। ठीक है, तो इसी तरह से कानपुर को का पूछा गया है। कानपुर के लिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फैक्ट है कि कानपुर को रिवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है,
तो कानपुर से जो लीड किया था वो थे यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा सी नाना साहेब। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन कहे जाते हैं? आंसर करिए जल्दी। बताइए आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, राजा राममोहन राय। और इनको फादर क्यों कहा जाता है मॉडर्न इंडिया के? क्योंकि बहुत सारे पहले के टाइम में ऐसी चीजें हुआ करती थी, या हम बोल सकते कुप्रथा ऐसी चला करती थी जो कि बहुत गलत थी हमारी कंट्री को डेवलप करने में। ठीक है, उसको रोकती थी वो। ठीक है, तो इन्होंने उन सबको खत्म किया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद फ्लूट। फ्लूट से कौन संबंधित है? एक फ्लूट और एक शहनाई, इनसे बहुत पूछा जाता है। शहनाई के तो आपको पता है बिस्मिल्ला खां है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां। इसके बताइए फ्लूट के। क्या हो जाएंगे? हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, ये मैंने जब हमने प्रैक्टिस सेट करे थे तब भी डिस्कस किया था आपको। आपका पूरा पेपर हमारे जो हमने प्रैक्टिस सेट किए थे वहां से आया है आपका। इंडिया हैज लॉन्च्ड अ हाइड्रोजन टास्क विद विच नेशन? यूएस, जापान, रशिया, फ्रांस। बताइए किस नेशन के साथ हाइड्रोजन टास्क जो है लॉन्च किया है इंडिया ने? ए हो जाएगा आंसर, यूएस। नेक्स्ट है इंडियाज फॉल्स अंडर विच लिस्ट इन द यूके टैरिफ लिस्ट सिस्टम। ये यूके की टैरिफ ट्रैफिक लिस्ट सिस्टम है। ठीक है, ट्रैफिक लिस्ट सिस्टम है, उसमें इंडिया किस नंबर पे फॉल करती है? अंबर, ग्रीन, रेड या फिर ब्लू? यहाँ ये जो इंडिया फॉल होती है वो है अंबर में। ठीक है, विच नेशंस प्लान्स टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन इट्स कैपिटल सिटी? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क या फिर फिनलैंड? क्या होगा आंसर? सी होगा, डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू पर्सनल लिबर्टी ओनली, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। 21 बताइए किससे रिलेटेड है? ट्वेंटी वन इज रिलेटेड टू राइट टू पर्सनल लिबर्टी ओनली। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन होगा वन। नेक्स्ट है हु इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? इंडिया का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सबको पता है, बहुत ही सिंपल है, प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, हिमा दास इज एसोसिएटेड विद, बताइए हिमा दास किससे एसोसिएटेड है? ये किससे रिलेटेड है? एथलीट्स से। लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ रबड़ इन दी वर्ल्ड, बताइए वर्ल्ड में रबड़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ब्राजील, घाना, इंडिया, थाईलैंड? इसका डी हो जाएगा, थाईलैंड। नेक्स्ट है नासा हैज प्लान टू लॉन्च टू न्यू मिशन टू विच प्लानेट बिटवीन 2028 एंड 2033? थर्टी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मरकरी? देखिए जो नासा ने ये प्लानिंग की है कि वो दो नए मिशन लॉन्च करेगा 2028 एंड 2030 के बीच में, वो है हमारा वीनस से। ठीक है, नेक्स्ट है विच नेशन हैज टॉप द वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2021? इंडेक्स भी बहुत पूछे जाते हैं, सारे इंडेक्स मैंने आपको कराए थे, 2022 के लिए भी मैं आपको इंडेक्स करा दूंगी। ठीक है, कुछ मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको। रशिया, सिंगापुर, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड? बताइए।
टॉप किया है कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 2021 में पूछे हुए जीके के सारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको काफ़ी क्वेश्चंस पहले से आते होंगे, नहीं आते हैं तो इनका आप डेली रिवीजन करिए, और इसके साथ ही साथ प्रीवियस पेपर सारे देखिए, डेली प्रैक्टिस सेट करिए, डेली हमारी क्लास होती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।